के साथ चलाने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मजबूरी में चला रहे हैं ऐसे ही? मजबूरी में चला रहे हैं, तुम लोगों को आती नहीं है ना चार में। हाँ आती नहीं है। गाइस ये हम लोग आ गए हैं अब्दुल्ला शाह गाजी पे, ये मजार पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ इस वीडियो के अंदर सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। Assalamualaikum, तो guys welcome back to my new vlog। आज हमारा जाने का सीन बना है अब्दुल्ला शाह गाजी, जो कराची के साहिल समंदर पर जो मज़ार है वहाँ पे हमारा जाने का सीन बना है। हम आपको जितना हो सकेगा उसकी हिस्ट्री के बारे में भी बताएंगे आपको, और आपको कंप्लीट जो है टूर कराएंगे अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार का। चप्पल जूता बास्केट में जमा कराएं, टोकन हासिल करें, सलाम के लिए जाएं, आगे चप्पल ले जाना। गाइस ये हम लोग आ गए हैं अब्दुल्ला शाह गाजी पे, ये मज़ार पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे चप्पलें रखने का सीन है, असल में ना चप्पलों पे ये जो है ना अपना टैक्स काटते हैं, तो ये हम अपनी चप्पलें जो है अपने फरहान भाई को वो रख रहे हैं। अब्दुल्ला शाह गाजी जिनकी मज़ार क्लिफ्टन के पास है, सी व्यू के पास है, ये इनकी पैदाइश हुई थी 720 हिजरी के अंदर मदीना मुनव्वरा में। उसके बाद ये पाकिस्तान उन दिनों में तो नहीं था, मतलब सी व्यू की साइड, क्लिफ्टन की साइड जहाँ पे पहले कोस्टल एरिया होता था वहाँ पे जो है ये हिजरत करके आए थे। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी इबादत की, और ये माना जाता है कि इनकी इबादत में इतना असर होता था कि ये जो है साहिल समंदर को भी अपने मतलब इल्म से, अल्लाह की दी हुई ताकत से, ये जो है पानी को भी कंट्रोल करते थे। इनकी ज़िंदगी तो इतनी लंबी नहीं थी, ये 720 के अंदर पैदा हुए थे और 773 के अंदर इनकी वफात हो गई थी। इनकी वफात का कारण जो है ये था कि सिंध के जंगलात के अंदर इनको जो है इनके दुश्मनान ने कत्ल कर दिया था। इनकी कत्ल की खबर मिलने के बाद जो है इनके जो भी मुरीदीन थे उन्होंने जो है इनको जो है कोस्टल एरिया जो अभी क्लिफ्टन के नाम से मशहूर है वहाँ पे पहाड़ी के ऊपर इनकी कब्र मुबारक बनाई थी, मज़ार बनाई थी। तो अभी जो है उन दिनों से यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, यहाँ पे दुआ करने, दुआएं मांगने आते हैं। तो अल्लाह अब्दुल्ला शाह गाजी को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, उन्होंने इबादत की, और कराची को बहुत बड़ी बड़ी आफतों से भी उन्होंने बचाया है। कहा जाता है कि अगर इनकी मज़ार यहाँ पे ना होती तो कराची कब का
डूब चुका होता और बर्बाद हो चुका होता। पानी सिर्फ इनकी दुआओं की वजह से आज तक कंट्रोल में है। तो उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, आप सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में किसी और अगली। चप्पलों के पैसे बचाए आज फरहान भाई ने हमारे। चप्पलों के पैसे बचाने का तरीका है, एक बंदा ऐसा ले आओ जो ऊपर ना जाए तो उसको चप्पलें दे दो। फरहान भाई आपकी मेहरबानी, आपने हमारे 150-200 रुपये बचा लिए। आपकी चाय पक्की है। 150-200 में आप क्या करोगे? चाय पिला देंगे आपको, एक रोल खिला देंगे। खाना तो हमने खा लिया है बच्चा। हाँ ना, वो 200 उनको देने से अच्छा आपको रोल समोसे नहीं खिला ले। रोल का ऑफर क्या? वो चलो अभी बात। चाय पिलाओ आपको। चाय चाय में आप महंगे हो गया, कट पिला देंगे। चलो ये एंट्री की साइड है, ये एग्जिट वाली साइड है। अभी हम निकल रहे हैं। ये अभी हम आ गए बाहर आ चुके हैं, अभी जाएंगे चाय वाय पियेंगे, खाना वाना खाएंगे, क्योंकि यार लंगर का सीन था ही नहीं, हमारा नसीब ऐसा था लंगर कहीं नहीं था, खाली देखे पड़ी हुई थी। तो अभी जो है पैसे भर के खाना पड़ेगा। हमने सोचा है 1500-2000 बचेंगे, लेकिन 1 रुपया भी नहीं बचा हमारा।